Well, these are the live visuals which you are going to see there. You have it on your screens. Yogi Adityanath is currently there at Hanumangadi. He's offering prayers in Ayodhya. Well, this is the place where he had visited even a month back. Remember, Yogi Adityanath, the Chief Minister of Uttar Pradesh, has been hands-on when it comes to the preparations which are being made for the Bhavya Ram Mandir's consecration ceremony, which is going to happen in January, 25th of January. And ahead of that, you have series of rituals which are going to be lined up as well. Now, remember, Chief Minister Yogi Adityanath had gone to Ayodhya last month as well. Even then, he had visited Hanumangadi temple. He had offered prayers even then and wished everyone. Of course, this is a very significant area of great pious devotion for the Chief Minister. Well, let me go across to Manish, who's joining us with more details. Manish, of course, Yogi Adityanath has been hands-on when it comes to the preparations for the consecration ceremony. Aaj bhi wo wahan par gaye hain, wo inspect karenge, unka kya itinerary hai? Dekhiye, chuki प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है, लगभग 30 दिसंबर संभावित वो डेट है जब प्रधानमंत्री अयोध्या में होंगे। ऐसे में उनकी तैयारियों को मुकम्मल करना है। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये अयोध्या दौरा है। हेलीपैड पर वो पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। अब उसके बाद हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए पहुंचे हैं और प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने भी वो जाएंगे। कोशिश ये है कि एक तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो चल रहा है उससे पहले जो अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जितने डेवलपमेंट के वर्क हो रहे हैं वो समय से पूरी हो जाए ताकि 22 जनवरी को अयोध्या जगमग दिखे। दूसरा, जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के इनॉग्रेशन के लिए पहुंचेंगे तो उनकी क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, वो दो ऐसे प्रमुख एजेंडे हैं जिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अधिकारियों से बैठक करके अभी तक का फीडबैक लेना है, समीक्षा करनी है। उसके लिए आज वो वहां पहुंचे हुए हैं क्योंकि राम पथ मार्ग हो, जन्मभूमि मार्ग हो, परिक्रमा मार्ग हो या फिर पार्किंग बननी हो, बस स्टैंड का कायाकल्प करना हो, नया रेलवे स्टेशन बना है उसकी व्यवस्थाएं हो, कोशिश की जा रही है कि सारी ये जो कामकाज है वो लगभग 10 जनवरी तक पूरे हो जाए। फिनिशिंग जो उन्हें टच दिया जाना है वो पूरा हो जाए तो अब अधिकारियों से बैठकर कितना काम बचा हुआ है उसे कितने समय में और पूरा कर लिया जाएगा, उसके लिए कितने समय की जरूरत है, ये सारे पहलुओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों से विचार विमर्श करेंगे। रामलला के हनुमानगढ़ी के दर्शन वो कर रहे हैं अभी और उसके बाद फिर रामलला के दर्शन करके अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक वो करेंगे। So essentially, Manish is telling us that after he offers his prayers at Hanumangadi, he is going to be speaking to all the administrative officers who are taking care of the consecration ceremony. Manish, ये भी बनाइए, consecration ceremony के लिए अब तक क्या preparations किए गए हैं? आपने बताया कि Prime Minister of course आने वाले हैं for the inauguration of the airport, railway station भी एक inaugurated होने वाला है, मगर जब दुनिया भर के लोग जाने वाले हैं, VVIPs and dignitaries, diplomats, सभी को इनविटेशन जो गया है उसमें पूरा का पूरा प्रशासन के क्या प्रिपरेशंस रहेंगे टू होस्ट द एंटायर वर्ल्ड टू अयोध्या? देखिए, बिल्कुल देश और दुनिया की निगाहें अयोध्या पर होंगी। 22 जनवरी का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है वो जगमग दिखे, दिव्य दिखे और दुनिया देखे, ऐसी कोशिश की जा रही है। ऐसे में जो खास मेहमान अयोध्या पहुंचेंगे उनके लिए रहने का बंदोबस्त, उसके लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट जुटा हुआ है, साथ ही अयोध्या प्रशासन जुटा हुआ है, देश भर के लोगों को न्योता दिया गया है। उसी कड़ी में राजनीतिक दलों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको न्योता भेजा गया है, सोनिया गांधी जो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष है उनको न्योता भेजा गया है, खड़गे और अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के दो और नेता हैं जिनको ये न्योता भेजा गया है। ट्रस्ट की ओर से ये कहा गया है कि जितने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सबको इस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा, अभी उन पर निर्भर करता है कि वो आए ना आए, लेकिन न्योता सबको भेजा जाएगा। इसके अलावा 4000 साधु संत होंगे जो अयोध्या में उस दिन मौजूद रहेंगे। भीड़ का आकलन 10 जनवरी के बाद से लगाया जा रहा है कि हर रोज लाखों की भीड़ रामलला के दर्शन करने को पहुंचेगी, लेकिन 22 जनवरी बहुत खास दिन है। ऐसे चूंकि एक लंबी प्रतीक्षा रही है, 550 साल की प्रतीक्षा रही है, तो ऐसे में हर कोई चाहता है कि 22 जनवरी जब प्रभु श्री राम अपने नए घर में विराजमान हो उस वक्त उस घटना के उस पूजा पाठ के साक्षी वो बने। तो ऐसे में बड़ी संख्या में आप लोगों के जुटने की संभावना की जताई जा रही है और साथ ही जो खास मेहमान जिसमें साधु संत है, जिसमें विदेशी राजदूत भी होंगे, जिसमें देश भर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता होंगे, जिसमें खास खेल जगत की, कला संस्कृति जगत की जो वीआईपी लोग हैं उनको भी न्योता भेजा गया है, वो भी उस कार्यक्रम में होंगे। तो सुरक्षा के इंतजाम से लेकर उनके ठहरने के इंतजाम, वो कैसे आएंगे, उसके लिए एयरपोर्ट पे क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, रेलवे स्टेशन की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिनकी तैयारियां को आकार दिया जाना है। तो
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज अयोध्या पहुंचने का कारण यही है कि इन तैयारियों को जल्द से जल्द फाइनल टच दिया जाए ताकि किसी भी डिग्निटरी को आने में कोई दिक्कत न हो और पूरे इंतजाम है उनकी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद हो सके। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज टास्क फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। 22nd इज व्हेन द कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी इज गोइंग टू हैपन एंड द आईज ऑफ द वर्ल्ड आर गोइंग टू बी ऑन अयोध्या। थैंक यू सो मच मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए।